विगत 8 सालों से महिलाओं के उत्थान व स्वावलंबी बनाने के कार्य में लग रही नारी समूह सखी महाराजगंज क्षेत्र में नारी समूह सखी महिलाओं की एक समूह के रूप में कार्य करती है। इस समूह में एक लीडर होता है, साथ ही समूह की सभी महिला लीडर के पास सप्ताह में 20 रुपया जमा करती है। नारी समूह सखी कमजोर व मजदूरी करने वाले महिलाओं के स्थान पर कार्य कर रही है। नारी समूह सखी हसनपुरा क्षेत्र के सहरी पंचायत के जयप्रकाश नगर में समूह की महिला प्रमिला देवी की बेटी की शादी पर अनुदान देकर अहम रोल निभाकर सहभागिता बनी। प्रमिला देवी को नारी समूह सखी की ग्रुप लीडर ज्योति देवी व एरिया मैनेजर सानू कुमार ने संयुक्त रूप से अनुदान राशि देकर सहभागिता बने। लड़की की शादी में इस नारी समूह सखी समूह की महिलाओं को मकान बनाने, चारा खरीदने, व्यापार करने के लिए पैसे भी उपलब्ध कराती है। वहीं समूह की महिलाओं के यहां परिवार में शादी होने पर आकस्मिक मृत्यु पर भी अनुदान की राशि दी जाती है। नारी समूह सखी द्वारा जो आपको आज अनुदान की राशि मिली है, तो क्या कुछ करेंगे? लड़की के ब्याह करना है। कितने दिन से आप इस समूह से जुड़े हैं? 2 साल से। क्या समूह में जुड़ने से कुछ फायदा बुझा रहा है आपको? हाँ। लोगों को और आपके समूह में जुड़ने के लिए महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश लेना चाहेंगे कि जो आगे इसमें पड़ेगा उसको लाभ मिलेगा। माने किस तरह के लाभ? लाभ मिलेगा, जैसे घर का पैसा मिलेगा, लड़की शादी करने का पैसा मिलेगा, ये सब जो घटना घट जाता है उसका भी शादी में जो पैसा मिलता है। हम लोग बचत खाता लगाते हैं 10,500, ऐसे बचत खाता हम लोग बनाते रहते हैं। नारी समूह सखी द्वारा आज इस पंचायत में अनुदान राशि दी गई है जी, तो मैंने 2 साल से मैं बचत बनाई हुई है, नारी समूह सखी में जुड़ी हुई है, 2 साल से बचत बनाई थी। तो इस समूह में, इस गांव में पहली बार यहाँ शादी हुआ था तो मेरे पास कार्ड जो जमा हुआ वहाँ फॉरवर्ड किए, जो आया नारी समूह सखी पैसा दी सहयोग के लिए। संस्था माने किस रूप में काज करती है? मतलब समाज के कल्याण के लिए काम करती है, जिस समाज से गरीबी खत्म हो जाए। ये सिर्फ महिलाओं पर ही जोर क्यों दे रही है? महिला ही घर पर रह पाती है, महिला ही लोन से उजरी हुई है। मान लीजिए कि आज पहले फाइनेंसर कोई नहीं था, आज मालूम है 3,000-4,000 फाइनेंसर है। अगर मर्द कमाता है 1 रुपया ना, तो मेहराड़ू भरती है 20 रुपया, कहाँ से आएगा? समाज में गरीबी बढ़ते जाएगा दिन पर दिन। माने ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों के लिए भी है कि शहरी क्षेत्र के लिए भी? हर क्षेत्र के लिए है। इस समूह से जुड़ने के लिए महिलाओं और आदमी को संदेश क्या देंगे? यही कि अपना नारी समूह से जुड़े जितना लाभ हो, और बेटी विवाह का पैसा हो, रोजगार करने का हो, चारा का हो, घर बनाने का हो, कोई एस्पायर हो उसका पैसा हो, वो हर एक पब्लिक के पास पहुंच पाए, उससे अपना आगे बढ़ पाए। क्या है, जैसे और सब बैंक की तरह लोन देती है, उस टाइप का काज करती है? नहीं, लोन नहीं मिलता है। लोन मिलता है मनी लोन, रोजगार देंगे तो लोन क्या होगा? जब रोजगार दे ही रहे हैं तो लोन का क्या जरूरत है? क्या जो रोजगार के जो पैसा आप देंगे फिर वो रिफंड? नहीं, रिटर्न नहीं जाएगा वो, तो फिर तो लोन हो गया ना, और रिटर्न देंगे तो फिर लोन हो गया, तो उसमें तो कमी पड़ जाएगा ना। फिर बेटी विवाह का पैसा, रोजगार करने का, चारा का, घर बनाने, कोई एस्पायर हो, ये कोई रिटर्न करने का नहीं। जो पब्लिक हो, समाज से गरीबी जल्द से जल्द खत्म हो पाए।